हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चटनी स्टफ पराठा। चलिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे ये जो कटोरी है, मैं इसमें 1.5 कटोरी आटा ले लूँगी। ये देखिए, 1 कटोरी और ये आधी कटोरी मैंने आटा ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच इसमें डालेंगे खाने का सोडा, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने से आटे का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो 1 चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे। अब हम इसे, ये जो मेरे पास दही का जो घोर होता है वो है, हम इस घोर से इस आटे को सानेंगे। आप चाहे तो दही और पानी मिलाकर उससे भी सान सकते हैं। तो देखिए, इस घोर से मैं ये आटे को सान लूंगी अच्छे से। ये देखिए, इस आटे में हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी डाल के सानने से जो पराठा होता है बहुत ही खस्ता खस्ता बनेगा। घी डालकर अच्छे से मिला लेंगे इसमें। ये देखिए, ये हमारे आटे का डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। ये देखिए, ये जो हमने आटा फूलने दिया था वो अच्छे से फूल चुकी है। अब हमने इसे ऐसे गोली कर लिया है। अब हम इसमें चटनी डालेंगे। आप कोई सी भी चटनी यूज़ कर सकते हैं, धनिया पत्ता की चटनी, हरी चटनी, नारियल की चटनी। मैं ये गार्लिक टमाटो की चटनी जो है वो इसमें स्टफ करने जा रही हूँ। अगर आपको ये गार्लिक टमाटो की चटनी की रेसिपी जाननी है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टफिंग शुरू करते हैं। ये थोड़ी थोड़ी लेकर इसमें इस तरह से, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो ये फट कर निकल जाएगी। इस तरह से गोल करके रख लेना है। बाकी लोई को भी इसी तरह से चटनी से स्टफ करके रख लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने फैला लिया 1 चम्मच। देखिए, इस तरह से स्टफ कर लिया। ये देखिए, बाकी सबको भी हम ठीक इसी तरह से स्टफ करके रख लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पांचों में चटनी को स्टफ करके रख लिया है। अब हम इसे बेल के सेक लेंगे। अब हम पराठे को पहले हाथ से इस तरह से फैला लेंगे। ये देखिए, और फिर इसे जो बर्तन होते हैं आटे में, इस तरह से लगाकर अच्छे से बेल लेंगे। बाकी जो दूसरी है उसे भी इसी तरह से अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बेल कर
हम इसे तवे पर सेक लेंगे। ये देखिए, इसे हम एक साइड पलट लेंगे। ऐसे घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, ठीक इसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी सेक लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, एक साइड घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, हमारी जो चटनी की पराठे है वो रेडी हो चुकी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी क्योंकि इसमें चटनी का भी स्वाद मिला हुआ है। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।